Why is the HGP called a mega project? HGP को mega project क्यों बोला जाता है? हम लोग तो जानते हैं कि HGP क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में कि HGP क्या होता है। तो देखते हैं कि इसको मेगा प्रोजेक्ट आखिर क्यों बोला जाता है। तो बोलेंगे ऐसे, लिखेंगे एग्जाम में, HGP called as mega project because HGP को मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए बोला जाता है। तो देखते हैं क्यों बोला जाता है। पॉइंट वन है, इट हैड मेनी इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर द ह्यूमन लाइफ। इसके पास जो HGP का जो बहुत सारा गोल्स था, इंपॉर्टेंट गोल्स था ह्यूमन लाइफ के लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसी के लिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो मेगा प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इट्स एम टू एनालाइसिस ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स काउजिंग जीन। इसका जो एम था, HGP का जो एम था कि एनालिसिस करना था सभी टाइप के जीन को जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन की थी उसी को, उस चीज की जीन को जो है सो एनालिसिस करना था। HGP का एक गोल्स था ये भी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्या हम लोग लिखेंगे, दिस प्रोग्राम टुक 13 ईयर्स फॉर इट्स कम्प्लीशन। ये जो HGP का प्रोग्राम था ये 13 ईयर्स ले लिया था इसको कम्प्लीट होने में, टोटल 13 ईयर्स लगा था, इसीलिए मेगा प्रोजेक्ट हुआ। और नीचे पॉइंट देखते हैं कि और क्या क्या है। इन दिस प्रोग्राम लॉट्स ऑफ मनी गेट्स स्पेंड इन कम्प्यूटेशनल फील्ड एंड ऑन वर्किंग ऑफ न्यूमरस साइंटिस्ट। बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में, ये जो HGP का प्रोग्राम था इसमें जो है लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सी मनी जो है खर्च हुई थी कम्युनिकेशनल फील्ड में, और जो इस पर जो वर्क कर रहे थे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इस फील्ड, इस पे प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। तो एक ये भी हो गया कि इसीलिए HGP को जो है सो मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दिस प्रोग्राम वॉज टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोग्राम था HGP का, जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोजेक्ट था, ये टोटली बेस्ड था किस पे, तो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। अब एक और पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वन मोर रीजन फॉर बींग मेगा प्रोजेक्ट इज दैट, एक और रीजन था मेगा प्रोजेक्ट का, वो ये रीजन ये था, साइंटिस्ट सेज इफ द ऑल डेटा एक्सप्लेन्स ऑन बुक देन 3300 बुक रिक्वायर्ड। बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जैसे एक और रीजन था कि ये मेगा प्रोजेक्ट है HGP, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि अगर जो है सो बुक में बुक रिक्वायर्ड की जाती है मेगा प्रोजेक्ट के लिए, तो 3300 बुक्स जो है सो इसके लिए ये होती, रिक्वायर्ड करना पड़ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए, और 3300 की बुक रहती, और ये जो बुक थी उसका बुक में जो कंटेंट करता, पेज सब कितना रहता, तो वो देखते हैं, कंटेनिंग 1000 pages इन ईच एंड पेज हैविंग 1000 letters रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि 3300 की तो बुक रहती, और ये जो बुक रहती उसमें 1000 pages रहता, और एक बुक में 1000 pages रहता, और पेज जो रहता वो पेज में 1000 letters रिक्वायर्ड करता। इतना ये लंबा प्रोजेक्ट था कि 3300 बुक्स तो रहती ही, और पेज जो है सो उसका 1000 रहता पर बुक, और जो है एक पेज का जो 1000 letters उसमें रहता एक पेज में। तो इसीलिए जो है सो HGP को मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है। थैंक यू।